देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ में राजेंद्र गुर्जर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। कोरबा जिले में वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कटघोरा वन मंडल द्वारा की गई एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां मौके पर पहुंचे वन दस्ते ने वन भूमि पर अतिक्रमण कर संचालित हो रहे ढाबा पर बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र जड़गा का है, जहां वन भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर मीरा वेज नामक ढाबा संचालित किया जा रहा था, जिसे वन अमले ने कार्रवाई करते हुए जमींदोज कर दिया है। यह कटघोरा वन मंडल द्वारा अतिक्रमण मामले को लेकर अभी तक की गई पहली सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र जड़गा से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम अमलीकुंडा में बजरंग नाला के पास वन भूमि के एक बड़े हिस्से पर निर्माण कर मीरा वेज ढाबा संचालित किया जा रहा था, जिस पर वन विभाग द्वारा ढाबा संचालक को लगातार नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, लेकिन ढाबा संचालक ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ढाबा संचालक द्वारा किए जा रहे अवहेलना की इस स्थिति को देखते हुए वन विभाग द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध तरीके से संचालित ढाबे को ध्वस्त करने का निर्देश जारी किया गया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस बल की उपस्थिति में मौके पर पहुंचे वन सुरक्षा अमले ने बुलडोजर चलाकर ढाबे को ध्वस्त कर दिया। इसके पूर्व ढाबा के महिला संचालकों को सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया। इस बीच कार्यवाही के दौरान ढाबा संचालक महिलाएं वन अमले पर कई तरह के आरोप भी लगाते नजर आई। बहरहाल इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है यह वही जाने, लेकिन वन विभाग के कर्मियों पर अनसुलझे आरोप का लगना मामले के अंदरूनी सतह के करीब जरूर लाता है। अवैध कब्जा ध्वस्त करने की इस पूरी कार्यवाही के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। जड़गा में जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है उसके बारे में बताएं कि वो क्या मामला था और क्या कार्रवाई की गई। जड़गा रेंज में बजरंग नाला के पास अमलीकुंडा में अवैध अतिक्रमण किया गया था वन भूमि पर, जिसको पूर्व में भी नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन नोटिस की तामीली होने में दिक्कत ये आ रही थी कि संबंधित जो ढाबा संचालक है वो नोटिस लेने से हर बार इनकार करता था। इस बार हमने उसके दीवार पर इसे चस्पा कर दिया और उसे 15 दिन का टाइम दिया गया था, जो कि 29 तारीख को 29 जुलाई को 15 दिवस की अवधि समाप्त हुई। उसके बाद उसे फिर से समझाइश दी गई कि आप अतिक्रमण हटा दीजिए, किंतु उसके द्वारा अतिक्रमण हटाने से मना किया गया। अतः इस उद्देश्य से पूरी टीम बनाई गई, जिसमें कि एत्मानगर और जड़गा असान केंद्रीय के स्टाफ की टीम बनाई गई, साथ ही पुलिस बल की मदद ली गई और उनकी मदद से उस अतिक्रमण को हटाया गया। और उसके अब उस कोर्ट चालान की कार्रवाई आगे की जाएगी और कोर्ट में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। मैडम, ऐसे और भी कई जगह वन भूमि पर कब्जे की बात सामने आई है, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी वन मंडल के द्वारा ये मुहिम चलाई जाएगी, लगभग 15 से 20 दिन अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से मुहिम चलाई जाएगी। जहाँ जहाँ पर भी अतिक्रमण पुराने या नए अतिक्रमण किए जा रहे हैं उन्हें वहाँ से बेदखल करने की कार्रवाई की जाएगी और संबंधित को न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जाएगा।